हमीरपुर से आ रही है बड़ी खबर। आज अभी न्यूज की खबर का हुआ असर, फायरिंग करने वाले दबंगों पर मुकदमा हुआ पंजीकृत। आज अभी न्यूज ने दिखाई थी प्रमुखता से खबर, जिसके बाद हरकत में आई हमीरपुर पुलिस। 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ पंजीकृत, लेकिन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से कोसों दूर है दबंग। पूरा मामला रात कोतवाली के मोहल्ला दीवानपुरा का। कल 3 जुलाई की रात में करीब 11:30 बजे के आसपास राट कस्बे के दीवानपुरा मोहल्ले में लक्ष्मीराम कुशवाहा के घर पर कुछ लोग चढ़ के मारपीट किए, जिसमें फायरिंग भी की गई। फायरिंग से एक उनके घर के हैं जयराम कुशवाहा और उनके पिता, उनकी माँ, इनके साथ मारपीट किया। जयराम कुशवाहा के गले में गोली लगी है जो भी अटकी है, बोल रहे थे, लेकिन इलाज के लिए इन लोगों को झांसी ले जाया गया है। रात में लोग इलाज पे व्यस्त थे, आज इन्होंने तहरीर दिया। इसके आधार पर धारा 307 वाहन निधाराओं के अंतर्गत 8 लोगों के विरुद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। अभियुक्तों की तलाश सरगर्मी से की जा रही, टीम बनाई गई है और इलाज पे भी ध्यान दिया जा रहा है। शीघ्र ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर से संवाददाता सत्यम सिंह की रिपोर्ट, आज अभी न्यूज।